हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 7 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है मंडे और मंडे को दोस्तों हम लोग 2 दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करते हैं, एक तो 16th का और एक 17th का। तो हमेशा की तरह दोस्तों आज भी यही करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जानने वाले हैं और आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज मैं जयपुर में नहीं हूँ, इसीलिए आपकी जो क्लास है वो स्मार्ट बोर्ड पे नहीं होके वो क्लास है जो कि जनरली जनरल तरीके से जो हम लोग करते हैं, वो भी सिस्टम से उस तरीके से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, आवाज़ आवाज़ आ रही है परफेक्टली, कोई दिक्कत तो नहीं आवाज़ आवाज़ में? एक बार थम्सअप कर दीजिए। चलिए, आज के सेशन के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो आज अभी हम लोग 30 से 40, 40 से 45 मिनट का सेशन करेंगे। 4 आर्टिकल द हिंदू के, दोनों दिन के मिला के, 2 इंडियन एक्सप्रेस फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 1 जनसत्ता और साथ में दोस्तों 7 आर्टिकल बाकी सोर्सेस से हम लोग कवर करने वाले हैं। आपको इन्वायरमेंट एंड साइंस, आईआर, स्पोर्ट्स, इंडेक्स, स्टेट पॉलिसी, सबमिट, ये सारे के सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। कल के क्वेश्चन यानी कि जो सैटरडे को मैंने क्वेश्चन दिए थे उनके पहले आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले प्लैनेट फर्स्ट रिसाइकिलिंग, ये एक सोशल एंटरप्राइज है जो कि लद्दाख में काम कर रही है दोस्तों, प्रॉब्लम जो वेस्ट की है ना उसको खत्म करने को लेकर। संविधान के कौन से भाग में कॉपरेटिव्स के बारे में बोला गया, यहां पे कॉपरेटिव्स को लेकर था, ज्यादा हाइड हो गया, तो 19(1)C आपका यहां पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, पता नहीं आगे पीछे कैसे हो गए क्वेश्चन। यहां पे जादू, कौशल, मंत्र, इन सब के बारे में बताया गया था, तो इन सबको क्या बोलते हैं, विच क्राफ्ट है जो कि इनको कहा जाता है। इस तरीके का दोस्तों लॉ भी बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अजीब है। हमने हमारे जो सैटेलाइट सर्विसेज हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो टाइम पीरियड रखा है वो 2025 तक हमने 36% हमने क्या किया है, इसको अपग्रेड करना चाहते हैं। साथ में OECD के बारे में बात करें तो कितना परसेंट स्टूडेंट है, मतलब नियर बाय 44 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो कि एनरोल्ड है, और इसमें हमारे देश की बात करें तो 10% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन है। CICA सेक्रेटरीट की बात करें तो 2006 के अंदर अल्माटी कजाकिस्तान में इसका फॉर्मेशन हुआ। साथ में करंट अफेयर का कैप्सूल बैच चल रहा है जहां पे आप 499 रुपीज़ के अंदर अपने सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर रेगुलर कर सकते हैं। 1 साल का करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं दोनों ही लैंग्वेजेस में। आज जो क्लास है इस वाले बैच की वो सुबह 9 बजे है, तो आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र का CGL बैच भी चल रहा है, अगर आप CGL क्रैक करना चाहते हैं तो बहुत ही अमेजिंग क्लासेस आपको मात्र 2000 रुपये में मिल रही है। इंडिया की बेस्ट टीम है जो कि आपको SSC में पढ़ा रही है। आपको यहाँ पे करना क्या है, क्लास 24 ऐप डाउनलोड करनी है, फिर SSC में जाना है, फिर ब्रह्मास्त्र में, और फिर यहाँ पे कोर्स में जाके आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। FCI का भी कर सकते हैं। CGL और CPO की टेस्ट सीरीज भी दोस्तों ज्वाइन करना ना भूलिए, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे टेस्ट में जाके है ना आप यहाँ पे CGL CPO के टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF के लिए, फ्री टेस्ट के लिए आप क्लास 24 की ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए, साथ में smileforallsociety.org अपना NGO है जहाँ पे आप वॉलंटियर बन सकते हैं या फिर एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन पे जाके, है ना। चलिए आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं। पीपल वोंट सी योर स्ट्रगल, दे विल सी ओनली योर सक्सेस। मतलब आप देख रहे हो कि लोगों की बातों पे इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग आपको गलत भी बोलेंगे, पता है क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब गलत टाइम होता है तब भी दोस्तों ये जो जनता है ना, ये दिख रही है, ये हमेशा अपोजिट ही रहती है। ओके, और जब सही टाइम चलेगा आपका तभी भी, मतलब ये बात ये नहीं बोलेंगे कि यार बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया, बंदे ने बहुत मेहनत करी है ना, ये वो, तब भी ये लोग जो है वो अपोजिट ही चलने वाले हैं। आपकी चीज़ों को बहुत ही आसान बता देंगे, ये तो कोई भी कर लेगा, हो जाता है, लक ऑफ स्ट्रोक है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो ये आपने जर्नी दोस्तों यहाँ तक आज जो आप पहुँचे हो ना, हो सकता है आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, लेकिन आपने जो ये वाली जो जर्नी अभी तक अपनी कंप्लीट करी ना, ये जर्नी जो है वो भी किसी से कम नहीं है। समझ गए मेरी बात, ये वाली जो जर्नी आपने यहाँ तक जो पूरी करी ना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचे हो, और कुछ दिनों के अंदर आप यहाँ से यहाँ भी पहुँच जाओगे। लेकिन पीपल विल ऑलवेज सी टू ईजी, टू कन्वीनियंट, तो कभी भी लोगों की बातों का लोड नहीं लेना चाहिए, इधर से सुनना चाहिए, इधर से निकालना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये लोग ऐसी बात नहीं करेंगे जो आप में सुनना चाहते हैं, है ना। चलिए ठीक है, ऑल राइट, आगे बात करते हैं, द हिंदू के फ्रंट पेज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, देखिए एक तो
छत्तीसगढ़ के अंदर भी गांव के अंदर ओलंपिक करवाए गए हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर कुछ टाइम पहले करवाए गए थे। तो आप देख रहे हो आंटियां यहाँ पे जो है वो कबड्डी वबड्डी खेल रही है। तो ये ग्रामीण ओलंपिक्स राजस्थान में करवाए गए, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स है जो कि छत्तीसगढ़ में भी करवाए गए हैं। ये संडे का फ्रंट पेज है वैसे बेसिकली। यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर दिया। साई बाबा जो एक डीयू के एक्स प्रोफेसर थे, इनको रिहा करने के लिए बोला है। मिलिटेंट दोस्तों एक और कश्मीरी पंडित की यहाँ पे डेथ हो गई, मर्डर कर दिया गया है ना। यहाँ पे भी इलेक्शन को लेकर है और यहाँ पर भी कुछ खास है जो कि नहीं है। और ठीक है, ये कैंप के बारे में बताया। तो फ्रंट पेज पे ऐसा कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 6 के ऊपर बात करते तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो और एक यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है दोस्तों जो कि नीला कुरुंजी को लेकर है। तो 6 वेराइटीज है दोस्तों जो कि वेस्टर्न घाट में इस फ्लावर की पाई गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है। आपने देखा है कितना काफी, मतलब ये देखिए भाई साहब क्या पोज देके फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये जो जगह है ना, ये केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। संथनपरा नाम की डिस्ट्रिक्ट है और कालीपारा नाम की हिल्स है। क्या बोलते हैं पेपर में पूछते हैं कि कालीपारा हिल्स जो है वो कहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो सबसे एक अमेजिंग बात है ना वो दोस्तों ये फ्लावर्स है। आपको दिख रहे हैं नीचे ब्लूम करते हुए दिख रहे हैं ये वाले फ्लावर्स, तो इनका नीला कुरुंजी फ्लावर्स है जो कि कहते हैं। इसकी 6 वेराइटीज मिलती है और वो इसी आसपास के एरिया में ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो काफ़ी ब्लूम करते हुए नजर आए, इसलिए काफ़ी जनता है जो कि यहाँ पे चली गई। तो काफ़ी ब्यूटीफुल फोटो थे इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दी। नेक्स्ट पेज स्पोर्ट्स की बात करेंगे जो कि अपने एशिया वुमेन कप को लेकर है। एशियन वुमेन कप क्रिकेट के बारे में बात करें तो इंडिया ने दोस्तों वापस से इस बार आप देख सकते हो श्रीलंका को हराया। पुरुषों में तो क्या हुआ था, मेन टीम में श्रीलंका ने इंडिया को हराया था, महिलाओं में इंडिया ने श्रीलंका को हरा के दोस्तों 7th ट्रॉफी है जो कि एशिया कप की जीत ली है। तो अगर आप देखोगे ना तो एक बहुत ही कॉमन बात है पुरुषों के एशिया कप और महिलाओं के एशिया कप में कि दोनों ने ही टूर्नामेंट को 7-7 बार जीता है। ये पहला एडिशन 2004 में हुआ और इसका 1984 के अंदर हुआ था। अभी लेटेस्ट एडिशन इसका बांग्लादेश में हुआ और अपने वाले का जो अभी लेटेस्ट एडिशन कहाँ हुआ था, UAE के अंदर हुआ था। अगली बार एशिया कप दोस्तों 2023 में पाकिस्तान में खेले जाना है ना। करंट चैंपियन हम लोग हैं, 7 बार टोटल जीत चुके हैं। मिताली राज मोस्ट सक्सेसफुल रनर, रन बनाने वाली और विकेट्स के अंदर नीतू। वहीं पुरुषों में बात करें तो करंट में श्रीलंका चैंपियन 6ठी बार, इंडिया टोटल 7 बार, सनत जयसूर्य ने सबसे ज्यादा रन और मुरली धवन ने सबसे ज्यादा विकेट है जो कि इसके अंदर लिए हैं। ठीक है गाइज, चलो इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों ये आप देख सकते हैं द ग्रेट एग्जाम रश इन उत्तर प्रदेश। ये UP SSSC पैट का एग्जाम हुआ था तो है ना, जो उत्तर प्रदेश का सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का जो प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो दोस्तों हुआ था और बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ रही क्योंकि आप देख सकते हैं नियर बाय 37 लाख बच्चों ने एग्जाम है जो कि ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भरा था। लास्ट ईयर 21 लाख था, अब उससे 37 लाख हो गया। नियर बाय 2000 सेंटर दोस्तों सरकार के द्वारा बनाए गए, 66% अटेंडेंस हुई बच्चों की। ओके, और ये एग्जाम है जो कि कंडक्ट करवाया गया। अगर आपने दिया होगा मेजरली मुझे मालूम है दिया होगा, तो अगर आपने कभी करंट अफेयर रेगुलर करते हो तो आप देखोगे कि हिस्ट्री, GK, GS, पॉलिटिक्स सारे क्वेश्चन जो है वो अपने ही सेशन से आपको SSSC एग्जाम के अंदर है जो कि देखने को मिले थे, है ना। करंट अफेयर हो गया चाहे बाकी के क्वेश्चंस हो गए, तो रेगुलर रहा करो, बहुत एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों एक और कल बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू। आप सभी को मालूम होगा कि लास्ट ईयर जब ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई थी ना, तो 101 कंट्री के अंदर हमारी रैंक क्या थी, 121 कंट्री में हमारी रैंक थी 101, याद है आपको। ठीक है, ये 2021 की थी। इस बार जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई तो हम लोग दोस्तों 107 के ऊपर पहुंच गए। 6 इस बार हम लोग 6 जो है ना पॉइंट और डाउन है जो कि चले गए हैं। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे नेबर के बारे में श्रीलंका 64 है, नेपाल 81, पाकिस्तान बांग्लादेश 84, पाकिस्तान की 99 रैंक है और हमारी 107। अफगानिस्तान दोस्तों हमसे पीछे है जिसकी 109 रैंकिंग है। 2020 में हम लोग 94 के ऊपर थे, फिर हम लोग 101 के ऊपर आए और अब हम लोग 107 के ऊपर चले गए हैं। ठीक है, जब ये रैंकिंग आई तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई सरकार ये जो रैंकिंग बनाई गई है ना ये हमारी इमेज को खराब करने के लिए बनाई गई है, ये रियलिटी नहीं है। ओके ठीक है गाइस, चलिए। और यहाँ पे गिरधारी का ग्रुप डी का स्कोर जो है वो 71 रॉ मार्क्स है, चलो बहुत अच्छी बात है यार, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपसे पेपर में 2021 की भी पूछ सकते हैं, 2022 की भी पूछ सकते हैं, है ना। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन से इंडिकेटर्स है, किस तरीके से रैंकिंग बनाई जाती है,
और पूरी दुनिया में ग्लोबल प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में भी हंगर की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है, लेकिन पहले से बेटर हुई है। मतलब आप 19.1 थे 2014 में, उससे अभी 18.2 है जो कि देखने को मिला है। तो स्लाइटली इम्प्रूवमेंट जो है वो कुछ सालों में देखने को मिला है, पिछले 5 सालों में। अभी भी मतलब मॉडरेट लेवल के ऊपर ग्लोबल प्रोग्रेस देखने को मिलती है। देखिए हमारी जो परफॉर्मेंस है, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट है ना, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो एक बात तो ये है कि किसके द्वारा इसको पब्लिश करी जाती है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो है ये 2022 जो रिलीज करी जाती है वो कौन है, वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर लाइफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ एनजीओज है आयरलैंड के, जर्मनी के, तो वो सब मिलकर है जो कि इसके ऊपर काम करते हैं, है ना। तो पहले तो ये पेपर में पूछेंगे आपसे किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है। तो मैं नाम लिख देता हूँ यार, आप थोड़ा बहुत भी नाम अगर एग्जाम में वर्ल्ड वाइड हंगर से आप तो कर लो, बहुत ही सिंपल है। वर्ल्ड वाइड कंसर्न, वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर लाइफ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चार इंडिकेटर के ऊपर ये परफॉर्मेंस है जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की निकाली जाती है। हंगर का मतलब है कि भाई भुखमरी कितनी किस देश में। अब भुखमरी को आप कैसे डिफाइन करते हो कि आपके जो बच्चे हैं देश के अंदर उनका हाइट और उनका वेट क्या सही है कि नहीं है ना। क्या क्या वो उनके क्या वो वेस्टिंग की प्रॉब्लम है क्या, स्टंटिंग की प्रॉब्लम है क्या, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है क्या। तो ऐसी जो प्रॉब्लम, चाइल्ड मोर्टेलिटी की इशू है क्या, अगर कोई बच्चा मान लीजिए पैदा होते ही उसकी डेथ हो रही है, या फिर माल न्यूट्रिशन की समस्या है, लो हाइट है, लो वेट है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, इसका मतलब क्या है कि फिर वहाँ पे आपको अच्छे से फूड नहीं मिल रहा। इसी वजह से इन्होंने जो चार इंडिकेटर रख रखे हैं ना, वो कौन कौन से हैं। एक तो चाइल्ड वेस्टिंग है, वेस्टिंग का मतलब होता है जब आपकी लो हाइट होती है, लो वेट होता है। तो 2000 के टाइम पे 17.15 था, अभी ये बढ़कर दोस्तों 19.3 हो गया, यानी कि पिछले 12-22 सालों में हम लोग पीछे चले गए। और पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट इंडिया पॉपुलेशन है जहाँ पे वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, लो वेट आपको बॉडी का देखने को मिलेगा। दूसरी प्रकार से अंडर नरिशमेंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो कि पिछले 2 सालों में बढ़ गया, 22 करोड़ लोग हैं जो कि अभी भी अंडर नरिश्ड है जो कि हमारे कंट्री में बताए गए। और तीसरा पॉइंट है स्टंटिंग, और चौथा मोर्टेलिटी। स्टंटिंग का मतलब है कि आपकी हाइट जो है ना वो नहीं बढ़ी, और मोर्टेलिटी का मतलब आपके बच्चों की मृत्यु दर। तो इन दोनों के अंदर हमने दोस्तों इंप्रूवमेंट है जो कि यहाँ पे किया है। देखिए इंप्रूवमेंट क्या है स्टंटिंग और मोर्टेलिटी के अंदर, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है कि हमारी रैंकिंग इंप्रूव कर सके। सबसे टॉप परफॉर्मर इसमें जो बताए गए हैं वो बेलारूस है, बॉस्निया, चिली, चाइना, क्रोएशिया, ये सब हैं। इसमें डेवलप कंट्री नहीं होते हैं एक्चुअली, इसमें जो डेवलप कंट्री है ना वहाँ तो ये खैर समस्या है ही नहीं, इसलिए उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। इसीलिए 121 कंट्रीज ही आपको इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे लास्ट में जो रैंकिंग है वो है अफ्रीकन कंट्रीज की, चैड, कॉन्गो, मदागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यमन, इन कंट्री को बॉटम के अंदर है जो कि रखा गया है। अब हमारे यहाँ पे कई सारे इनिशिएटिव भी लॉन्च करे गए हैं। ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया, पोषण अभियान चलाया गया, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है ना जिसके अंदर मटर्निटी बेनिफिट मिलते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन लॉन्च किया गया वाइटामिन्स और मिनरल्स के लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लॉन्च किया गया कि रूरल पॉपुलेशन को हम सब्सिडाइज फूड ग्रेन है जो कि अवेलेबल करवाएंगे, मिशन इंद्रधनुष किया गया 12 वैक्सीन के लिए, और चाइल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सेकंड है ना, जिसमें हंगर के बारे में बात की जाती है, जिसको 2030 तक खत्म करने की बात की जाती है, उसको लेकर ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी जाती है। चार ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं, ये पेपर में आपसे पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। अब सरकार ने इसकी निंदा करी है, सरकार ने बोला है कि भाई ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें तो 3000 लोगों का सर्वे करते हैं उसके बाद में ही रिपोर्ट आती है, हमारा तो कंट्री बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो लोग हैं उन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया वेबसाइट के ऊपर, और इन्होंने बताया कि भाई हम जो डाटा बनाते हैं है ना वो हम लोग क्या करते हैं, ये एक फूड बैलेंस शीट है जो कि हमें हर कंट्री से मिलती है, इंडिया से भी मिली है, उसी की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं इसको बनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं GHI ओनली यूजेज द POU ऑब्टेन थ्रू फूड बैलेंस शीट बेस्ड ऑन डाटा रिपोर्टेड बाय मेंबर कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज है जिसमें हम भी एक हैं, उनके द्वारा जो डाटा शीट दी जाती है फूड की, और इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर दिखाई जाती है कि भाई कंट्री का फूड सप्लाई कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, रेफरेंस पीरियड होता है, सोर्स होता है सप्लाई का, किस कैटेगरी में हो रहा है।
तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जाती है। दूसरा सर्वे की बात है तो माइट भी वो सर्वे भी ये लोग करते होंगे। तो चार में से जो तीन इंडिकेटर है दोस्तों वो बहुत ही चाइल्ड स्पेसिफिक है इसके अंदर, है ना, और ये वाली बात है तो ठीक है, उसकी वजह से ये लोग हंगर के बारे में बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं, जो कि इजिप्ट के साथ हमारे जनसत्ता में दोस्तों एक बात बताई गई है कि जनसत्ता में कि हम लोग इंडिया और इजिप्ट दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बायलेटरल ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी रिसेंटली क्या हुआ, तो यहाँ पे काहिरा जो कि इनकी कैपिटल है ना, वहाँ पे दोस्तों हमारे जयशंकर जी गए और वहाँ पर हमने क्या किया, महात्मा गांधी का एक स्टैचू है जो कि यहाँ पे बना हुआ है ना, हौरिया पार्क के अंदर। क्या नाम है, हौरिया, हौरिया पार्क है, तो वहाँ पे गांधी जी का स्टैचू है, तो वो भी यहाँ पे दोस्तों इन्होंने यहाँ पे गए श्रद्धांजलि जो है वो यहाँ पे अर्पित करी। अब इंडिया और इजिप्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में हमारे दोनों देशों के जो बिजनेस है वो बढ़े हैं। देखो भाई, इजिप्ट वो कंट्री है जिसने हमारे देश को आज़ाद होते ही हमें रिकग्नाइज कर लिया था एज ए कंट्री 47 के टाइम पे, और हम इंडिया और इजिप्ट के बीच में तो बहुत पुराने रिलेशन है, मतलब आपको मालूम है ना, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपस में उस ज़माने में भी ट्रेड किया करते थे, 4,000-3,000 साल पहले भी, तो बहुत पुराने हमारे दोनों के रिलेशन है। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने और यहाँ पर जो इनके हेड थे नसीर नसर, इन्होंने भी मिलकर दोस्तों नॉन अलाइन मूवमेंट है जिसकी शुरुआत करी थी। ओके, उसके बाद ओवर द ईयर्स हमारे अगर मैं अफ्रीका में बात करूँ तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर जो है वो इजिप्ट और साउथ अफ्रीका माने जाते हैं, जिसमें इजिप्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। आप ये देखिए कि 2020-21 में है ना, दोनों के बीच में 7 अरब डॉलर का बिजनेस हुआ है। ओके, सात मतलब $7 बिलियन के आसपास का बिजनेस है जो कि हुआ है। तो ये दोनों कंट्रीज आप देख सकते हैं, इंडिया इजिप्ट, और यहाँ पे आप अगर आप अफ्रीका देखोगे तो अफ्रीका का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी आज के टाइम पे नाइजीरिया है, देख रहे हो, $450 बिलियन की, साउथ अफ्रीका को पीछे करके नाइजीरिया सबसे आगे जा चुका है। तो नाइजीरिया का ग्रोथ रेट मतलब हमारे बराबर के आसपास ही चल रहा है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका की बात करें सेकंड नंबर पर है, पर कैपिटा इनका हमारे बराबर ही है, $2,200 पर पर्सन पर। ये साउथ अफ्रीका का पर कैपिटा अच्छा है, पॉपुलेशन कम है इसलिए $6,000 के आसपास। तीसरे नंबर पे आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा, ये देखिए GDP $300 बिलियन, पॉपुलेशन एलन मस्क की जो नेटवर्थ है उससे थोड़ा ही ज़्यादा यहाँ की GDP है, $250 बिलियन तो नेटवर्थ है उसकी, और पर कैपिटा इनकम $3,000 के आसपास देखने को मिलेगी, 10 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, है ना, नाइजीरिया के 20 करोड़ के आसपास की है। और ओके, तो ये सारे के सारे टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमीज है जो कि अफ्रीका के देखने को मिलते हैं। तो इजिप्ट देखो ट्रेडिशनली हमारा बहुत ही पुराना पार्टनर रहा है, 1978 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था, मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर भी इंक्लूड कर रखा है हमने इसको। हम इनको क्या एक्सपोर्ट कर, इजिप्ट हमें क्या एक्सपोर्ट करता है, तो हमें इजिप्ट दोस्तों रॉ मटेरियल कॉटन फर्टिलाइजर ऑयल ये सब भेजता है। इसी प्रकार से हम दोस्तों क्या भेजते हैं, कॉटन कॉफ़ी हर्ब्स टबैको लेंटिल्स ये सब हम लोग इनको एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा कंपनी भी है मतलब जो कि काफ़ी काम करती है वहाँ पे, और काफ़ी मतलब हमारा बिजनेस है इंडिया का, इंडियन कंपनी जो कि वहाँ पे बिजनेस कर रही है। चलिए आज के दोस्तों द हिंदू के बारे में बात करते हैं। अब ये तो था कल का मुद्दा, और आज की बात करें तो फ्रंट पेज पे शशि थरूर और खड़गे जी दोनों ही जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट की दौड़ के अंदर शामिल हो चुके हैं, देखते हैं कौन जीतता है। मेजरली पॉसिबिलिटी है कि खड़गे जी जो है वही इलेक्शन है जो कि जीत जाएंगे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा होगा नहीं कांग्रेस को इससे, क्योंकि 80 साल की उम्र है, अब इतने बुढ़ापे के अंदर क्या ही तो कांग्रेस को रिवाइव करेंगे, और ये क्या ही मतलब दोनों ही कंटेंडर जो है ना वो दोनों ही कुछ खास नहीं है कि कांग्रेस को कुछ फ़ायदा पहुँचा सकें। थरूर जी जो है उनके कम्युनिकेशन गैप है इंडिया के साथ में, ठीक है वो ब्रिटिश के भी ब्रिटिश लगते हैं मतलब, और खड़गे जी जो है वो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि मतलब हो सकता है कि ज़्यादा कुछ ट्रैवल नहीं कर सके, कुछ जनता से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मतलब। यहाँ पे दोस्तों जिनपिंग के थर्ड कार्यकाल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के, और ये भी कुछ खास नहीं है। तो ये आज का फ्रंट पेज है जहाँ पे हमारे लिए दोस्तों एक जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो हमारे आया है दोस्तों आने वाले बीच के जो डाटा पॉइंट वाले पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बात करी गई है कि कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना वो काफ़ी बेहतर थी न्यू पेंशन स्कीम के। अभी रिसेंटली राजस्थान छत्तीसगढ़ पंजाब ने क्या किया है, ओल्ड पेंशन सिस्टम के ऊपर ये चले गए हैं। क्यों चले गए भाई, क्योंकि न्यू पेंशन सिस्टम में जनता को इतना बेनिफिट है जो कि नहीं मिल रहा है। देखो दोनों देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था कि जो सरकार के पास है ना एक फिक्स्ड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ करता था,
फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कैसा जा रहा है, कैसा ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है ना। सिक्स पे कमीशन ने जो है वो ये जब रिसेशन आया था ना 2008 का, उस टाइम पे भी दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि ठीक ठाक काम चल रहा था। लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है ना उसके तहत उसको मार्केट लिंक्ड कर दिया गया है। अब उसमें क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलता है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से उसको टच कर दिया गया है, तो अब वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है, समझ गए। तो ये एक बहुत बड़ा ओल्ड एज लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 6% अगर आपको न्यू पेंशन स्कीम में रिटर्न मिल रही है तो पुराने के हिसाब से तो 35% ही हुआ। अगर पुराने के हिसाब 100 रुपये हैं तो इसके तो 35 रुपये होंगे। अगर आप ये देखिए कि 10% अगर ग्रोथ मिल रही है अगर मार्केट में 10%, तो जाके न्यू जो पेंशन पॉलिसी है वो आपको ओल्ड के 93 रुपीज़ है जो कि देगी। और दूसरा ये था कि भाई बोला जाता है कि जब फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार से तो उससे सरकार के ऊपर बर्डन बहुत पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये बात बताई गई कि ये बात भी मिसलीडिंग है। ओके, अगर 3 रेवेन्यू रिसिप्ट अगर आप मेजर देखोगे सरकार के तो उसमें पेंशन नहीं है, मात्र 11% के आसपास। ओके, और स्टेट का देखोगे तो 25% के आसपास, तो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं है, कि इसी की वजह से पूरा जो है वो सरकार दबी हुई है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कई सारे राज्यों ने वापस से रिवाइव इसीलिए कर दिया है, और प्रॉपर इसको कंपनसेट करने के लिए सरकार ये कर सकती है कि जो थोड़े टैक्सेस है ना, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है हमारे परसेंटेज ऑफ जीडीपी का, वो बहुत ही कम है। देखो इंडिया का बहुत ही नीचे है, यूके का देखो कितना ज़्यादा है ना परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन इंडिया। ये देखिए 2012 तक तो फिर भी थोड़ा बड़ा था, उसके बाद देखिए नीचे चला गया प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल ही। और हमारे डायरेक्ट टैक्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर कम है बहुत, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लू वाली लाइन जो है वो बहुत ही कम है, बाकी देखिए यूएसए। तो इनको अगर इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर की न्यू पेंशन पॉलिसी के ऊपर फोकस करने को लेकर, ठीक है। तो ये छोटा सा एक आर्टिकल है जो कि आया था वो मैंने आपको कवर करवा दिया, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझाया है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक रिपोर्ट बोलती है कि हमारे पास पोटेंशियल है कि हम FDI $475 बिलियन तक लेके आ सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग बात है, पोटेंशियल तो बहुत है, मतलब ये तो खैर बात सही है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन रेलवेज ने हमारी फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड एल्यूमिनियम गुड्स ट्रेन है जो कि रिसेंटली फ्लैग ऑफ करी भुवनेश्वर से। इसको कोलैबोरेशन के साथ में बनाया गया है, बेस्को लिमिटेड के साथ में और हिंडालको के साथ में बनाया गया है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी बात बताया गया है कि कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत कम है। जैसे कि अगर आप फॉरेन में अगर आप अपनी फ्लाइट बुक करते हो ना, तो आप वहाँ पे देखोगे कि हर फ्लाइट के साथ में लिखा हुआ रहता है कि कार्बन कितना फुटप्रिंट है, कितना इमिशन करेगी, है ना, इमिशन भी कितना करने वाली है पर कैपिटा के हिसाब से, सारी जानकारी होती है मतलब। तो आप लो इमिशन वाली फ्लाइट भी प्रेफर कर सकते हो। हमारे यहाँ पर भी स्टार्टिंग एक दो वेबसाइट ने करी है, ज़्यादा तो नहीं करी अभी, लेकिन लोगों को जागरूकता नहीं है कि भाई लो इमिशन वाली बुक करो या वो करो, है ना। अगर प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है तो ऑब्वियसली आपको उसके ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि भाई इसके अंदर जो है ना लोअर कार्बन फुटप्रिंट है हर 100 kg वेट रिडक्शन के अंदर वेगन में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे 14,000 टन जो CO2 का इमिशन है वो यहाँ पे बच जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ऐश्वर्या विश्नोई के द्वारा बताई गई है। आगे बात करते हैं जो कि है पेज नंबर 18। आज से ALP की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है आपकी, ALP की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2 क्लास तो है मॉर्निंग में और आपके लिए 2 क्लास इवनिंग के अंदर है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है वो भी आपके लिए लॉन्च करी गई है, रात के टाइम पे क्लास होगी। साथ में एक और बात बताता हूँ, वो आपके आंसर की तो नहीं आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्रुप डी के कई सारे बच्चों का रिजल्ट आया था तो उनके पूरी की पूरी आंसर की गलत भेज दी रेलवे ने, तो ट्वीट भी किया था ट्विटर के ऊपर और कल वीडियो भी बनाया था परसों के दिन, तो फिर उसके बाद वापस से रिवाइज आंसर किया जो कि उन्होंने भेजी है, तो चेक कर लेना अगर आपने नहीं करी है तो। यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के अर्जुन, किशन, किरण और रुद्राक्ष ने दोस्तों चाइना को 16-10 से हरा के राइफल मैन के टीम इवेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि कायरो में इजिप्ट में होती है उसमें गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा चाइना को यहाँ पे हराया भारतीय टीम ने। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो फ्रंट पेज पे अगर आप देखोगे तो ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। कल पता है क्या हो गया, कल T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने दोस्तों श्रीलंका को हरा दिया, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप के अंदर नामीबिया ने श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका वही टीम है जिसने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान और इंडिया दोनों को धोया है, और अभी नामीबिया जो है उसको हरा दिया उसने पहले ही मैच के अंदर। पता नहीं क्या ही होता है श्रीलंका में। चलिए तो अभी आपको मालूम है 2023 के अंदर जो है ना हमारे पास में दोस्तों G20 की प्रेसिडेंटशिप है, तो हम लोग है ना 5 ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि करने वाले हैं G20 के अंदर।
जहां पे जो पांचों मीटिंग करेंगे ना वो कल्चरल ट्रैक के ऊपर करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। यानी कि जो ये G20 की मीटिंग होने वाली है जहां पे हम लोग 19 तो कंट्रीज आएंगे और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, तो इनकी जो मीटिंग होगी वो पांच ऐसी अलग अलग जगह के ऊपर होगी जो कल्चरली बहुत ही रिच है, जैसे कि खजुराहो भुवनेश्वर के अंदर, हम्पी में, आगरा में, है ना। तो इन चार जगहों को यहाँ पर सेलेक्ट है जो कि किया गया है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जैसे कि ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट हो गया, खजुराहो हो गया, कोणार्क सन टेम्पल हो गया, है ना, हम्पी हो गया कर्नाटक के अंदर। तो इन सारी जगहों के ऊपर मतलब क्या करवाया जा रहा है, ये पांच इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि करवाई जाएगी। इससे क्या होगा कि हम लोग चाह रहे हैं कि भाई G20 कंट्रीज को थोड़ा सा कल्चरली जो है उनको दिखाएं हमारे देश का कल्चर। 215 टोटल मीटिंग होगी 55 सिटीज़ में अगले साल सितंबर अक्टूबर के अंदर 2023 के अंदर, जिसमें पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर होने वाली है ना। G20 के आप देख सकते हो ये सारे के सारे कंट्रीज मेंबर हैं G20 के। 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ, ओके 20 मेंबर्स हैं, 19 तो कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, और वी डोडो जो प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के वो अभी चेयरमैन है। तो G20 की बात करें तो देखिए डेवलपिंग और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, लार्ज इकोनॉमी, सारे इसका मेंबर है। दुनिया के 80% GDP इसी में, 60-70% इंटरनेशनल ट्रेड भी यही करते हैं। दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन भी G20 कंट्रीज में से है और हाफ लैंड एरिया भी इन्हीं के पास में है। तो आपसे पेपर में 2022 और 23 का पूछेंगे। 22 का जो प्रेसिडेंटशिप है वो इंडोनेशिया के पास में है, विडोडो के पास में, 23 का इंडिया के पास होगा, फिर 24 का ब्राज़ील और 25 का साउथ अफ्रीका। इस तरीके से ये चलने वाला है, ये आप देख सकते हो इंडिया का हमारे पास 2023 का G20 है। इसके अलावा G20 में और भी बहुत सारी मीटिंग्स होती है ना, जैसे कि अपने RBI गवर्नर्स हैं या फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, एक तो मेन जो स्टेट जो गवर्नमेंट की होती है, जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनकी तो होती ही होती है, उसके अलावा भी बहुत है, जैसे कि बिजनेस 20 है, लेबर मिनिस्टर्स की मीटिंग है ना, क्लाइमेट मिनिस्टर्स की और यूथ मिनिस्टर्स की, वुमेन यूथ 220, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग मीटिंग्स हैं जो कि होती है, लेकिन जो लोकेशन है वो सेम होती है, कंट्री जो है वो सेम होता है। जनसत्ता के बारे में बात करें, मनीष सिसोदिया जी को दोस्तों CBI ने तलब किया, फ्रंट पेज पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द रूरल वुमेन को लेकर। तो देखिए ये दिवस हर साल 15 तारीख को मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। पहली बार इसकी शुरुआत 2008 के अंदर करी गई थी, है ना, UN असेंबली में इसको पास किया गया। इसमें ये बताया गया कि जो हमारे रूरल वुमेन है इनके भी दोस्तों काम को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, इनके डेवलपमेंट पे, लाइफस्टाइल के ऊपर, थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर। आपको मालूम है गाँव में महिलाएं बहुत काम करती हैं लेकिन कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता। इनफैक्ट हमारे घर में भी जब आपकी मम्मी जो काम करती होगी, कोई संडे नहीं होता, कोई मंडे नहीं है, सब बराबर है ना। तो समझ रहे हो, वो तो अच्छी बात है कि हमारे जो कल्चर है उसके अंदर ये चीज़ बोली गई है। ऋग्वेद के अंदर पहले के लोग बहुत होशियार थे ना, कि भाई पीरियड्स के टाइम पे किचन के अंदर अलाउ नहीं होते, तो 3-4 दिन का रेस्ट देने का प्रावधान रखा गया है। तो वो इसलिए रखा गया था मतलब पहले के टाइम पे, क्योंकि पहले के लोगों को पता था कि जनता बहुत ही आने वाले टाइम पे ऐसे आने वाली है, बहुत ही सही नहीं आएगी, तो ये कभी ब्रेक नहीं देंगे किसी भी महिला को, है ना। तो इस तरीके से रिलीजन से रिलेट कर दो इस साइंटिफिक चीज़ को, तो उन्होंने रिलेट कर दिया इस चीज़ को, और उसके बाद में 3-4 दिन का रेस्ट है जो कि मिलता है। अदरवाइज तो आप सोचिए ना, पूरे महीने कोई रेस्ट नहीं होता मतलब, है ना। तो अप्रिशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो हमारी ग्रामीण महिलाएं हो, चाहे फिर आपकी वर्किंग हो, चाहे हाउसवाइफ्स हो, है ना, मतलब बहुत मेहनत होती है यार। चलिए ठीक है, तो थीम के बारे में बात करें तो रूरल वुमेन की फॉर ए वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी, तो ये थीम है जो कि इस बार रखी गई है। ठीक है गाइस, चलिए अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों हमारे ग्रामीण पॉपुलेशन के अंदर, स्पेशली महिलाओं में, एक तो इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन है, कोई डाटा ही नहीं है मतलब कितने काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी इनकम है ना, और पैसे बहुत कम मिलते हैं, एजुकेशन नहीं है, मनरेगा के अंदर भी लिमिटेशंस है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ एक सरकार के द्वारा ई श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, जहाँ पे 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं जो कि यहाँ पे रजिस्टर हैं, लेबर, माइग्रेंट, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, तो सरकार की योजना इनको दी जाती है। इसके अलावा महिला किसान सशक्तिकरण योजना लॉन्च करी गई, कौशल विकास योजना, जनधन योजना, मातृत्व वंदना, गरीब कल्याण, ये सारी योजनाएं लॉन्च करी गई। आगे बात करते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशन को लेकर। रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ, इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तीनों के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना, इनकी मीटिंग हुई थी। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बारे में चर्चा हुई, इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में चर्चा हुई, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चर्चा हुई। तो इंडिया और न्यूजीलैंड की भी जब मीटिंग हुई तो दोस्तों बताया गया कि दोनों के रिलेशन बहुत ही पुराने हैं। 1800 के टाइम पे, आज से 200 साल पहले इंडियन जो है वो न्यूजीलैंड पहुंच गए थे क्राइस्टचर्च के अंदर,
पंजाब गुजरात के बहुत लोग न्यूजीलैंड के अंदर 100-150 साल पहले लोग आए थे। हमारी फोर्सेज ने कॉमनवेल्थ के तौर पे मतलब यहाँ पे एक लड़ाई भी लड़ी थी। आज के टाइम पे इंडिया न्यूजीलैंड के दोस्तों बहुत ही अच्छे रिलेशन है, बिकॉज ऑफ द कॉमनवेल्थ मान लो, डेमोक्रेसी मान लो, इंग्लिश मान लो, पढ़ाई एजुकेशन में बहुत सारे बच्चे जाते हैं हमारे वहाँ पे पढ़ने के लिए। 11वां लार्जेस्ट हमारे ट्रेडिंग पार्टनर है, $2 बिलियन के आसपास का बिजनेस होता है, और 15,000 स्टूडेंट दोस्तों कोविड से पहले न्यूजीलैंड हमारे यहाँ पे पढ़ने गए थे, और सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है आज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का न्यूजीलैंड के अंदर, समझ गए। बिजनेस अलायंसेस भी हैं, कल्चर रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, है ना। दोनों देशों में ओणम, पोंगल, राखी, होली, ये सारे फेस्टिवल हैं, दिवाली, ये सब मनाए जाते हैं, ठीक है। नियर बाय 2.5 लाख की पॉपुलेशन है जो कि इंडियन ओरिजिन और एनआरआई की न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं, बैरियम इन एक्सोप्लैनेट। देखो एक्सोप्लैनेट समझते हो ना क्या होता है, ऐसे प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, आउटसाइड द सोलर सिस्टम है हमारे, उनको हम लोग एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सबसे जो हैवीएस्ट मेटल है ना, बैरियम सबसे हैवीएस्ट होता है, फटाके फोड़ते हैं तो उसके अंदर भी ग्रीन कलर बैरियम की वजह से नजर आता है। तो इतना हैवियर एलिमेंट है जो कि हमको आउटर एटमॉस्फेयर जो है ना एक्सोप्लैनेट का, वहाँ पर देखने को मिला। तो ये बहुत ही अनइवन सी बात है मतलब। तो साइंटिस्ट ने दोस्तों बैरियम को जो है वो डिटेक्ट किया अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, आप देख सकते हैं 2 जाइंट एक्सोप्लैनेट के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा हैवी है, आयरन से 2.5 गुना ज़्यादा हैवी होता है बैरियम, है ना। चलिए, और इनका नाम रखा गया है WASP-76b और 121b, ये दोनों के नाम है एक्सोप्लैनेट के। और सरप्राइजिंगली जब इतना ज़्यादा वेट होता है तो वो लोअर लेयर में चले जाते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, एक्सोप्लैनेट के अंदर बैरियम अपर वाले के अंदर ही देखने को मिला है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है इसके ऊपर स्टडी करी जाएगी, और जो एक्सोप्लैनेट्स है ना इनको हम लोग स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे लाइफ की खोज करते हैं। हमें लगता है कि अर्थ पे जैसे कि लाइफ है, उसी प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम में तो नहीं है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के बाहर दोस्तों लाइफ है जो कि हो सकती है। तो जादू के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश है जो कि करी जा रही है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं गैलापागोस आइलैंड को लेकर। ये देखिए जो आइलैंड है ना, ये अभी रिसेंटली दोस्तों कोल्ड ओशन करंट है जो कि यहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। अभी देखिए जो पैसिफिक ओशन, यहाँ पे जनरली आपको जो सेंट्रल का एरिया है ना, वहाँ पे आपको वार्म ओशन करंट मिलते हैं, ओके। लेकिन इस बार क्या हो गया कि यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट देखने की वजह से देखने को मिला, और ये ग्लोबल वार्मिंग के संकेत है जो कि बताए गए हैं। ये देखिए गैलापागोस आइलैंड जो है ना, ये इक्वाडोर के पास में है, कोलंबिया इक्वाडोर के जस्ट, और इक्वाडोर का ही पार्ट एक्चुअली है। तो अब यहाँ पे जब सेंट्रल वाले, जब आप इक्वेटर के आसपास होते हो ना कहीं ना कहीं, तो हमेशा गर्म पानी यानी कि आपको कोल्ड करंट नहीं, आपको हॉट करंट देखने को मिलते हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क भी बनाए गए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी इसको इंक्लूड किया गया, कई सारे मरीन स्पीशीज, शार्क, ये सब देखने को मिलते हैं। ओशन करंट कुछ नहीं होते दोस्तों, एक पानी का फ्लो होता है जो कि एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर होता है, है ना। कई सारे फोर्सेस से ये इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि कोल्ड करंट का मतलब है जब पानी बहुत ठंडा होता है ना, वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलते हैं जैसे कि कैनरी, कैलिफोर्निया। वार्म करंट क्या होता है, नॉर्मली आपको ईस्ट कोस्ट और जो सेंट्रल इक्वेटर के आसपास का एरिया, वहाँ पे देखने को मिलते हैं, कोशियारो, गल्फ स्ट्रीम, ये सब। तो हीट होती है सोलर एनर्जी की वजह से, विंड, ग्रेविटी, कोरोलियस फोर्स, इन सब की वजह से मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर वैरी करता है। अगर वो नीचे की तरफ होगा तो गर्म होगा, तो ऊपर की तरफ आएगा हमेशा, है ना। ये जैसे कि हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे तो कोल्ड होगा तो कोल्ड से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे हॉट होगा तो हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा। इस तरीके से मतलब ये है ना करंट है जो कि फ्लो करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताई दिया, अब नेक्स्ट बात करते हैं पर्पल रिवोल्यूशन को लेकर। देखो ये पर्पल रिवोल्यूशन क्या है, रिसेंटली हमने अभी कुछ टाइम पहले है ना, 2000, आपको बताता हूँ एक पर्पल रिवोल्यूशन क्या है। कश्मीर के अंदर हमने जो लेवेंडर होते ना, उनके कल्टीवेशन का काम स्टार्ट किया था, 5-6 रुपये में हम लोग पेड़ दे रहे थे, 20 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया था, ताकि कश्मीर की एग्रो इकोनॉमी भी जो है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हमारे सेंट होते हैं, परफ्यूम होते हैं, है ना, ये इसके लिए हम लोग लेवेंडर जो है ये सब फॉरन से मंगवाते हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत क्या है। 2016 के अंदर अरोमा मिशन लॉन्च किया गया था CSIR के द्वारा, तो इसमें ये बोला गया था पर्पल रिवोल्यूशन के अंदर कि हम लोग खुद के स्टार्टअप बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे जो कि क्या करेगी, लेवेंडर में काम करेगी। कार्बन डेटिंग के बारे में बात करते हैं। देखो कार्बन डेटिंग क्या होती है, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके अंदर ये बोला गया कि अंदर जो शिवलिंग मिला है उसकी कार्बन डेटिंग करी जाए, लेकिन हुआ क्या कि जो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने बोला देखो कार्बन डेटिंग से सही तरीका है जो कि नहीं निकलेगा कि ये कितना पुराना है।
अभी कार्बन डेटिंग में दोस्तों क्या होता है कि देखो आपका कोई भी ऐसी लिविंग है या कोई भी ऐसी चीज है ना, तो हम उसकी एज पता करते हैं कार्बन डेटिंग से, पेड़ हो कुछ भी हो है ना। तो अब क्या होता है कि हमारे कार्बन के, जब कार्बन डेटिंग करते हैं ना, तो दो इंपॉर्टेंट कार्बन होते हैं किसी भी चीज में, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 होता है मेजॉरिटी मेजॉरिटी में, और कार्बन 14 होता है कम क्वालिटी के अंदर, क्वांटिटी के अंदर। लेकिन कार्बन 14 जो है वो धीरे धीरे जो है ना वो डिके करता है, तो जो उसकी स्पीड है ना उसको पता कर सकते हैं, और वो कॉन्स्टेंटली उसकी स्पीड होती है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट स्पीड होती है। तो कितने टाइम्स में कितना है, अगर ये डिके हुआ है, अगर आप ये पता कर लो डिवाइडेड बाय, अगर आप उसका जो रेट है उसको कर लो, तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये कितना पुराना है। अमेरिकन फिजिसिस्ट है लिबी, उसके द्वारा ही कार्बन डेटिंग की शुरुआत करी गई है ना। कार्बन 14 बहुत ही कम होता है, तो एटमोसफेयर में जो C12 14 के बीच में जो डिफरेंस है और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और C14 कितने स्पीड से रिड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट होता है, कितने टाइम से स्टार्ट हो रहा है ये पता करके हम लोग किसी के बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन ये जो रॉक और ये सब होती है ना, रॉक और ये सब पुरानी कई सारी चीज़ें, इनमें रेडियोमेट्रिक यूज़ होती है कई बार, इनको में कार्बन डेटिंग काम नहीं करती है ना। जैसे रॉक के बारे में पता करना है तो पूरे कितनी पुरानी है, तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग सिस्टम है जो कि काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि नामदापा नेशनल पार्क। दोस्तों ये यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है ना कई सारी कार्डमम जो है उसका कल्टीवेशन करने की बात करी गई, जो इलायची होती है ना उसके बारे में। और एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलायची बहुत ही इल्लीगल तरीके से भी बहुत सारी प्रोड्यूस करी जाती है, जिसकी एक्चुअली इतनी ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से फिर क्या होता है फॉरेस्ट में प्रॉब्लम आती है। तो नामदापा एक फैक्ट जो एक रिवर का नाम है, ये न्यू डिहैंग करके रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी है, ओके। तो वहाँ पर देखने को मिलती है नामदापा, तो इसी के नाम से नेशनल पार्क भी है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये, और इंडो म्यांमार चाइना बॉर्डर पर देखने को मिलती है, और बाकी और भी कई सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है जो हमारे बड़े बड़े भी है, जैसे कि एमएस देश का सबसे बड़ा है लद्दाख में, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, गंगोत्री उत्तराखंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेंटेटिव लिस्ट में भी है ये नामदापा नेशनल पार्क यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। बायोडाइवर्सिटी बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे, और बिग कैट्स, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ये सब भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वेजिटेशन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और हुलॉक गिबॉन जो है ये एप के स्पीशियस हमारे यहाँ पर ही सिर्फ पाए जाते हैं, और कहीं नहीं मिलते ये किन्या में, और कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। पाके, मॉलिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आती है। करंट अफेयर्स शॉर्ट्स की बात करें, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन लेजेंड अवार्ड जो है उनको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों दिया गया। वर्ल्ड फूड डे 2022 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और थीम रखी गई है लिव नो वन बिहाइंड। IIT गुवाहाटी द्रौपदी जी, हमारे मुर्मू जी जो मालूम है दोस्तों, बफरिंग हो गया है, अब ये सेशन खत्म हो गया है क्योंकि इंटरनेट खत्म हो चुका है।